Hi guys, welcome to long video number एट Long video where I tell you the story of my life and the lessons I learned from it. Thank you so much. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं लॉन्ग वीडियो एट तक पहुंच गया हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इतना सिंपल स्टोरी टेलिंग स्टाइल इतना पॉपुलर हो जाएगा लॉन्ग वीडियोज आर अमंग्स द मोस्ट वॉच्ड वीडियोज ऑन माई चैनल तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियोज़ में मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताता हूं जो मेरे साथ एक्चुअली हुआ है और हर कदम पे जो जो लेसन मैंने लिए हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी वो लेसन जल्दी मिल जाए लाइफ में या ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है काश कोई मुझे ये पहले बता देता वो एंड ऑफकोर्स यू नो मे बी इट काइंड ऑफ ऑल्सो टेल्स यू कि आज जो मैं बनाऊँ वो कैसे बनाऊँ सो दैट क्यूरियासिटी ऑल्सो कुड बी सैटिस्फाइड इन इट सो हेयर वी आर लॉन्ग वीडियो नंबर एट अगर आपने लॉन्ग वीडियो सेवन देखा हो तो उसके एंड में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैंपस के बाद मेरी पहली जॉब पेरीग्रीन में लगी वो कंपनी ही उसका दिवाला पिट गया एडवेंट बैंक्रफ्ट एंड देन हाउ विद ग्रेट डिफिकल्टी आई मैनेज टू गेट अ जॉब इन गोल्डमेन सैक्स ऑल्दो एट अ लोअर लेवल बट सम हाउ आई मैनेज टू गेट अ जॉब सो इन दिस लॉन्ग वीडियो आई एम गो टॉक यू अबाउट माई गोल्डमेन सैक्स जॉब एंड कैसे इसी जॉब में पहली बार एक uh, राइटर का बीज आया सो लेट्स गो फॉर इट आई जॉइंट गोल्डन सैक्स मेरी पहली जॉब थी एंड उसमें जो मेरी जॉब लगी थी उन्होंने मुझे सेकेंड ईयर एनालिस्ट की जॉब दी थी विच इज़ बेसिकली समथिंग वेयर वॉट अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन पीपल गेट एंड मैं एम करके आया था और मैं पिछली जॉब में एम बी ए के लेवल पे मतलब एसोसिएट लेवल पे था लेकिन क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और गोल्डमेन सैक्स में सब आना चाहते हैं उन्होंने मुझे ऑफर किया कि हम आपको ले सकते हैं लेकिन आप सॉर्ट ऑफ यू कैन से यू नो एट अ लोअर लेवल आओगे सेकेंड ईयर एनालिस्ट बन के आओगे तो मतलब आपके जो पीयर्स होंगे वो अंडर ग्रेजुएट्स होंगे आपने एम बी ए कर रखा है बट यू हैव टू बी ओके विद दैट मतलब बेगर्स कॉन्ट बी चूजर्स उस वक्त मेरे को जॉब चाहिए भी थी और आई रियली वॉन्टेड टू जॉइन गोल्डमैन सैक्स बिकॉज इट वॉज दी अल्टीमेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इट वॉज द क्रैम डलक क्रैम जिसे कहते हैं मैं क्रेडिट एनालिस्ट था गोल्डमैन सैक्स के लिए और काउंटर पार्टी रिस्क देखता था मतलब जो कंपनियां गोल्डमैन सैक्स के साथ बिजनेस करती हैं मेरा काम था मेरे ग्रुप का काम ये था कि देखना कि Um, क्या इस कंपनी के साथ हमें बिज़नेस करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी अंदर से खोखली है इसकी कोई एसेट्स नहीं है सब झूठे हैं या फिर इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही नहीं है कल को हम इसको और इन्वेस्टर्स के पास लेके जाएं या इनके साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें अगर ये अपना वो कॉन्ट्रैक्ट निभा ही ना पाए सो so, एक तरह से क्रेडिट असेसमेंट ऑफ ऑल द पीपल वी आर डूइंग बिजनेस विद ये हर बैंक में होता है तो आई वॉज़ इन क्रेडिट एनालिस्ट इन In some in some ways you can say we were protecting the bank we were the defense arm of the bank and we also did some other credit related services जो मैं आपको बताता जाऊंगा जब uh, मैंने uh, Goldman Sachs join kiya तो uh, मैंने आपको बताया कि उन्होंने मुझे as an analyst लिया लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको second year analyst लेंगे मतलब जैसे uh, तीन साल का analyst program होता है तो हम आपको second year एनालिस्ट ले लेंगे तो आपको एक तरह से थोड़ी सी सीरिटी हम दे रहे हैं तो मैंने कहा चलो जी बहुत अच्छी बात है आई डोंट नो उसका क्या मतलब है बट दे सेड कि यू नो विल गिव यू दैट पर अंदर आते ही मुझे ये पता लगा कि जो फर्स्ट ईयर एनालिस्ट होते हैं उनको दो महीने गोल्डमेन्स एक्स की ट्रेनिंग जाने के लिए मिलता है न्यूयॉर्क विच इज़ क्वाइट वेल रिकॉर्डेड गोल्डमेन्स एक्स की ट्रेनिंग न्यूयॉर्क की बहुत मशहूर है और उन्होंने कहा भाई आप तो सेकेंड ईयर हो आपको तो ज़रूरत नहीं है उसकी मैंने कहा यार ये अच्छा है तुमने कह भी दिया मैं सीनियर हूँ लेकिन मेरे को टाइटल भी नहीं दिया एम वाला लेकिन अब मेरी ट्रेनिंग भी गई दो महीने की मुझे जाना है ट्रेनिंग तो फिर उन्होंने कहा आयुष श्योर आपको जाना है आप फर्स्ट ईयर वालों के साथ होंगे तो मैंने हमेशा लाइफ में इतनी ईगो नहीं रखी कि क्या टाइटल होगा मुझे लगता है आपका नाम आपके टाइटल से ज़्यादा जरूरी है आपका काम आपके टाइटल से ज़्यादा ज़रूरी है तो मेरे को लगा कि अगर दो महीने जाके न्यूयॉर्क रहने को मिल रहा है और उस टाइम पे कुछ सीखने को मिल रहा है कोई एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो कि मुझे इतना उसके बारे में पता नहीं था मैं इवन इन माई एम बी आई 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 डोंट नाफ यू रिमेंबर द अर्लियर लॉन्ग वीडियोज मैं मार्केटिंग में मेजर करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे तो मैंने कहा कि इट्स विल बी बेनिफिशियल फॉर मी और यार न्यूयॉर्क मतलब जो भी आ थोड़ी बहुत तो पार्टी करेंगे वहाँ जाके तो ऑफिस तो नहीं आना पड़ेगा मतलब तो एक तरह से ट्रेनिंग गोल्डन सेक्स के ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर जाके ट्रेनिंग करनी होगी तो मैंने कहा मुझे भेजो तो फाइनली मेरे ग्रुप ने कहा ठीक है इनको भी भेज देते हैं क्योंकि सही बात है इन्होंने ये ट्रेनिंग की नहीं है तो यू नो फर्स्ट लेसन इज़ नेवर ब्रिंग योर ईगो वेन यू गेट अ चांस फॉर अ गुड एक्सपीरियंस यू नो इसमें क्या बड़ी बात है वाई वुड आई से नो टू जिस भाई मैं तो सेकेंड ईयर हूँ मैं नहीं जा रहा और मैं जाकर रूस ऑफिस में मरा रहा हूँ और बाकी दो महीने लोग ऐश करके आ रहे हैं न्यूयॉर्क में तो फाइन मैं न्यूयॉर्क पहुँचा यू नो अफकोर्स मैं उस टाइम पर हांगकांग में रह चुका था तो एकदम uh, राजू बन गया जेंटलमैन भी नहीं हुआ मेरे साथ कि न्यूयॉर्क हुए बट क्योंकि हांगकांग इज़ वेरी स्वैंकी प्लेस इन सम वेज़ न्यूयॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा पुराना है uh, हांगकॉन्ग से हांगकॉन्ग बिल्कुल चिकनापन बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर लेकिन न्यूयॉर्क में एक बात है एक नशा है वो आई डोंट थिंक बहुत कम सिटीज़ में वैसा नशा है पीपल ऑफ बिन इन न्यूयॉर्क कैन ओनली टेल यू एक न्यूयॉर्क की बज़ है क्योंकि वहाँ सिर्फ फाइनेंशियली फाइनेंशियल वॉल स्ट्रीट ऑफकोर्स वहाँ है मतलब दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर वो है लेकिन उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं वो वहाँ पे यू कैन से एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग का सेंटर है वहाँ पे ब्रॉडवे uh, है मतलब एक थिएटर का वो एक हेड क्वार्टर्स है काफ़ी फिल्में भी वहाँ बनती हैं ऑल दो आई नो एल एंड हॉलीवुड वगैरह अलग है लेकिन न्यूयॉर्क भी काफ़ी uh, फिल्म वहाँ पर बनती है। हैं टेलीविजन चैनल्स हैं वहाँ पर कई सारे इट्स जस्ट वेयर एवरी थिंग इज़ देर द लॉर्ड ऑफ स्टार्टअप्स देर इज़ आई डोंट नो देर इज़ जस्ट यू नो कैफ़ेज एंड रेस्ट्रांस और खाना और स्टैंड अप कामेडी गली गली पे मोड़ मोड़ पर नुक्कड़ नुक्कड़ पर मतलब हॉन्गकॉन्ग में इज़ अ वेरी चिकना रिच प्लेस बट देर इज़ नथिंग लाइक न्यूयॉर्क इन टर्म्स ऑफ सोल एंड कैरेक्टर इट इट आई लाइक आई टोल्ड यू थोड़ा ओल्ड लगता है हॉन्गकॉन्ग से जाओ लेकिन स्टिल इट्स वेरी डेवेलप्ड इट्स फेयरली एडवास्ड एवरीथिंग वर्क्स एंड इट्स अ लॉर्ड ऑफ फन बिकॉज आप घर आप अपने होटल से निकलोगे और ए एक मतलब सौ अगस्त चलोगे तो कम से कम दस अलग अलग रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे विद अमेजिंग फूड्स एंड अमेजिंग शॉप्स इट्स जस्ट आई डोट नो मेरे को बहुत पसंद आया न्यूयॉर्क एंड मे बी वन डे आई विल गो देयर एंड स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगेन इन माई बैंकिंग जॉब मुझे कई बार न्यूयॉर्क जाने को मिला कभी वहाँ रहा नहीं मतलब इन सेंस आई वर्क देयर बट दिस वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन दैट वे जस्ट बींग इन एन अमेजिंग सिटी एंड देन आई वॉज इन अ क्लास विद ऑल द गोल्डन सैक्स एनालिस फ्रॉम वर्ल्ड वाइड सो मुझे पता लगा कि हांगकॉन्ग तो इनका छोटा सा ऑफिस है मतलब हम दस पंद्रह लोग हांगकॉन्ग से गए होंगे और सिंगापुर से जैसे दस लोग गए एशिया के चालीस तीस चालीस लोग थे लेकिन जो उनका बड़ा बैच है वो यू का और यूरोप का होता है एंड टोटली totally हम 200 सौ थे सो इट वॉज एज बिग एज यू कैन से माई आई एम अहमदाबाद एम बी ए क्लास तो वहाँ पे हम गए और वहाँ पे हमारे मतलब हमें पहले एक अच्छे से होटल में ठहराया और उसके बाद मुझे याद है सुबह हम सात बजे होटल से निकलते थे अराउंड आठ बजे ट्रेनिंग चालू होती थी जाते ही पहले ब्रेकफास्ट होता था सबके साथ मिलके बातें लोग कर रहे होते थे चटरपटर चटरपटर मुझे तो समझ नहीं आता था किससे क्या बात करूं बट स्पेशली जो यूएस के कैंडिडेट्स थे उनमें कई एक दूसरे को जानते थे जैसे अगर कोई एक ही कॉलेज से आया तो ऑब्वियसली उनके ग्रुप्स बने होते थे और आई डोंट नो कैसे वो ग्रुप्स बनाते थे कोई एक शहर से आया है तो भाई यू नो जैसे कोई ऑस्टिन से आया है और कोई डैलस से आया तो हमारे यहाँ जैसे होता है कि भाई तू जयपुर से आया है यू नो तू नागपुर से आया है तो उनकी आपस में थोड़ी ज़्यादा दोस्ती हो जाएगी पर मैं आई डोंट नो आई एम अहमदाबाद का कोई नहीं था वहाँ पे एंड ऑफकोर्स एट दैट टाइम ना ऑफकोर्स पीपल गो बट एंड हॉन्ग के भी रिलेटिवली कम लोग थे और वो फर्स्ट ईयर हालिस्ट थे जिनको मैं जानता नहीं था और क्रेडिट डिपार्टमेंट में एक ही था निराला सेकेंड ईयर वाला जो फर्स्ट ईयर वाले में डाल के भेजा गया तो मैं जाके वहाँ कोई बात नहीं अकेले अपना ब्रेकफास्ट खाता था और लोगों को मैंने देखा कैसे इतने यंग ये थे लाइक आई सेड अंडर ग्रेजुएट्स ही थे लेकिन कैसे सुबह उठ के एक दूसरे से बातें करते थे एनअर थिंग आई हैव नोटिस्ड अबाउट अमेरिकन इज विच आई लाइक अ लॉट एक्चुअली आई आई थिंक दैट कंट्री इज़ रियली क्रिएटिव एंड

ट्रेनिंग में मिलोगे कि किसी को तो ओए कैसा है तू भाई ऐसे मतलब अगर आप पहली बार मिल रहे हो ले लेकिन अमेरिकन बोलते हैं जो लोग अमेरिका रह चुके हैं या रहते हैं दे कैन कॉमेंट भी लोग कि नए नए देसी वहाँ पहुँचते हैं हमें लगता है यार मैं तो कुछ खास ही हूँ जो मैं इन लोगों को इतना पसंद आ गया बट दैट जस्ट द वे दे टॉक बट दैट डजेंट मीन दे मेक अ डीप फ्रेंडशिप विद यू इट्स जस्ट नाइस एंड पोलाइट आई गेस टू ग्रीट पीपल नाइसली चेयरफुली एंड शो सम वट आई कॉल कॉन्फिडेंस एंड यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी कि कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा था हम जब हमारी क्लासेस चालू होते थे इट्स इट वाज लाइक अ ऑडिटोरियम लाइक रूम एंड वहाँ हमारी क्लासेस होती थी सो दे वुड टीचर्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग एक्विटीज़ क्या होती हैं आईपीओ क्या होता है आई डो नो एक्सेल के मेरे को याद है बहुत सारे क्लासेज होते थे मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाई जाती थी विच इज़ क्वाइट यू नो इंटरेस्टिंग बट इट्स ऑल्सो गोल्डन स्टाइल ऑफ मॉडलिंग होती है हमने थोड़ा बहुत आई एम भी करा था लेकिन ऑब्वियसली तब क्लास में इतना ध्यान नहीं दे रहे थे कोई अब काम पे कर लग यूज करना था एंड इट वाज़ अ वेरी गोल्डमैन स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स मतलब उनका ये होता है कि जैसे अगर आपने रॉ डेटा टाइप इन किया है तो वो येलो बैकग्राउंड में होगा अगर आपने फॉर्मूला डाला है तो वो ब्लू कलर का इंक होगा टेक्स्ट का और अगर ऊपर हेडलाइन है तो वो डार्क ब्लू बैकग्राउंड और वाइट कलर की हेडिंग होगी ये सब भी विच इज़ कॉल्ड द स्टाइल गाइड वो भी आपको सिखाया जाता है कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है गोल्डमैन की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप बहुत प्रेजेंटेशन बनाते हो एंड गोल्डमैन में एक पूरा फ्लोर मतलब जैसे हॉन्गकॉन्ग में भी न्यूयॉर्क में भी सिर्फ प्रेजेंटेशन सेंटर होता है वहाँ पे लोग बैठ के सिर्फ पी बनाते हैं मतलब आप खुद भी बनाते हो लेकिन वो इतनी सुंदर नहीं बनेगी आपसे तो आप वहाँ लेके जाओ वो आपको और खूबसूरत कर देंगे आपके पाई चार्ट और ये वो आई डोंट नो अब क्या होता होगा अब तो बहुत टूल्स आ गए आप लोग खुद ही अच्छी बना सकते हो लेकिन उस टाइम पे वी डेंट हैव सच एडवांस टूल्स बिल्ट इन टू बार पॉइंट्स देन यू गो देर एंड दे डू एट ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ प्रेजेंटेशन सेंटर चलता है एंड जहाँ तक एनालिस की लाइफ है वो मोस्टली प्रेजेंटेशन सेंटर में ही बताते हैं एक्चुअली एनी वे दैट सेपरेट सो ये सबकी ट्रेनिंग वहाँ चलती थी बीच बीच में लंच ब्रेक्स होते थे और टी ब्रेक्स ये वो होते थे और लोग फिर ऐसे चढ़ पढ़ू दो इंग मैन करते थे और मुझे समझ नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है और जब क्लास में भी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछता था तो मेरे को याद है जैसे एक्सेल वगैरह सिखा रहे थे मुझे आता था समझ लेकिन मेरी कभी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपना हाथ ऊपर करूँ या अगर मुझसे कोई पूछ भी लेगा गलती से तो मैं यस नो हाँ जी लेकिन किंतु परंतु करता रहता था लेकिन जो मैंने देखा जो अमेरिकन्स थे और इवन सम यूरोपियंस स्पेशली अमेरिकन दे वर सो कॉन्फिडेंट कि आता जाता कुछ नहीं है। या

सो एंड आईड वर्क इन पेरीग्रीन फॉर अ वाइल एंड आई आई हैड सम एक्सपीरियंस लेकिन फ़िलोसफी ऑनर फिलोसफी के मेजर्स एंड साइकोलॉजी मेजर्स एंड लॉ वाले लोग आए हुए हैं एज एनालिस्ट जस्ट अंडरग्राट करके और ऐसे कॉन्फिडेंस से पहले जा रहे हैं तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की लाइफ में कि यू नो समाइम्स कॉन्फिडेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कॉन्फिडेंस इन लाइफ यू नो इट्स अ फैक्ट you could be very competent. I, i'm not bragging but obviously if i've done an mba and you have done law and you have not worked in a bank and i have then clearly i know um, what is being taught in training better than you but if you are more confident in talking to the instructor or raising your hand or even at lunch just saying hi man what's up how's it going so i feel like it, they have confidence and i i was still that person at that stage if you've seen my earlier long videos also key i माई कॉन्फिडेंस वॉज गेटिंग बेटर बट आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट ऑल्सो ऑफकोर्स आफ्टर यू नो वर्किंग अब्रॉड फॉर अ फ्यू मंथ्स आई एंड ऑल्सो हैड दैट शॉक ऑफ़ माई जॉब गेटिंग लॉस्ट एंड यू नो ऑल दैट रीडिंग एट मैकडोनल्ड्स लॉन्ग वीडियो है तो वो कॉन्फिडेंस कभी भी इसे टिक नहीं पाया था अभी तक तो मैंने देखा कि लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है बॉयज़ गर्ल्स ऑल दिस पीपल एंड दे वर इंकरेज यू नो गोडमेंट्स हैड दिस कल्चर लाइक पीपल आर सपोज टू बी कॉन्फिडेंट एंड ये हो तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सीखना पड़ेगा और लाइफ में कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कई बार अफकोर्स यू शुड हैव बोथ यू शुड आइडियली ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिडेंस बट आई थिंक समटाइम्स इन लाइफ कॉन्फिडेंस से भी लोग खींच जाते हैं यार मतलब लाइफ में आपने इफ़ यू हैव सीन दैट हैपन इन योर ऑफिस और इन योर कॉलेज और एवर पुट इट इन द कॉमेंट्स बिलो वेर यू सीन पीपल हु आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट बट सिर्फ कॉन्फिडेंस पे निकल गए वो यू नो एनी वे आई टोल्ड यू न्यूयॉर्क सिटी इज़ अनलाइक एनी अदर सिटी मतलब ऐसी कमी जगह है दुनिया में और गोल्डमैन सैक्स की जो ट्रेनिंग है वो भी मशहूर है सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं विच इज़ गुड बट ऑल्सो थोड़ी बहुत ऐश भी वो कराते हैं आपको मतलब जैसे नॉट एवरी डे बट जैसे अगर दो महीने किया तो यू हैव लाइक सिक्स टू एट वीक्स अगर है वहां पे, तो एवरी वीक एक आउटिंग होगी यू नो एक दिन हमें थिएटर दिखाने लेके गए का, आई रिमेंबर वी सॉ प्ले कॉल्ड रेंट विच आई लव्ड बिकॉज आई राइट प्लेज एंड आईव टू राइट एन कॉलेज एंड एवरी थिंग एंड सो मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड दैट वॉज दी अल्टीमेट लाइक यू नो इफ यू डू ब्रॉड वे दैट इज द अल्टीमेट थिएटर प्रोडक्शन विद दिस म्यूजिक एंड लाइट्स एंड सेट्स एंड अमेजिंग टॉप क्लास एक्टर्स सो आई विज लाइक मेरी आँखें खुल गई लाइक like, ऐसे भी होता है आर्ट फॉर्म फॉर एग्जाम्पल द टू कस टू सी अ बेस बॉल गेम इन इन वॉट इज कॉल्ड द यंग स्टेडियम इन न्यूयॉर्क जो थोड़ा न्यूयॉर्क के बाहर लग के हैं सोच लो आई डो नो दिल्ली में अगर आप हो तो नोएडा ग्रेटर नोएडा आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट आई इज़ नॉट एग्जैक्टली द राइट कंपैरिजन, बट थोड़ा बाहर जाके है एंड बेसबॉल इज लाइक क्रिकेट पीपल से इन द सेंस कि एक बैट है और बॉल को मारना है बट इट्स नॉट क्रिकेट यार मतलब मेरे को तो बेसबॉल समझ नहीं आया कि वो क्या रहा है मतलब जब कॉन् मैंने कहा ना क्लास कॉन्फिडेंट थी जब वो लोग हो जाते थे मैं भी बना देता था जब वो लोग सीरियस हो जाते थे मैं भी सीरियस हो जाता था मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कर क्या रहे हैं एक पहली बात तो तुम्हारी इनिंग्स क्रिकेट में तो आमने सामने भागना है इसमें तो चार में भागना है फिर आधा एक वन फोर भी भाग सकते हो पूरा भी भाग सकते हो अंडर आम बी आई डोंट नो आई मीन आई एम श्योर आई एम श्योर जो लोग बेसबॉल समझते हैं इट मस्ट गेट वेरी एडिक्टिव बट मुझे क्रिकेट भी मतलब सिर्फ फाइनल सेमीफाइनल ही अच्छा लगता है एक्चुअली इफ यू आस्क नहीं मैं उन उतना क्रिकेट में आई लाइक क्रिकेट बट इतना नहीं कि यू नो लाइक आई हैव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जो कोई भी मैच देख सकते हैं वो जिम्बावे वर्सेस के भी बैठ के देखते रहते हैं टेस्ट मैच uh, मैं उतना <laughs> मतलब व्यूअर नहीं हूँ ऑफकोर्स इफ दर इज अ वर्ल्ड कपल गेट एक्साइटेड बट बेस बॉल एनी वे फाइन सो बट इट वॉज नाइस इट वॉज अ लॉट ऑफ फन

एंड इट्स वेरी थिक एंड इट्स लाइक एंड इट्स दे हैविट विद क्रीम चीज़ उनके ना कॉम्बिनेशन बने हुए हैं न्यूयॉर्क में कि क्रीम चीज़ एंड बेगन होना चाहिए बर्गर है तो फ्राइज़ होने चाहिए किसने बनाया है रूल आई डोंट नो और उनके रूल है बर्गर फ्राइज़ और कोक होगी यू नो सो द थ्री थिंग्स आर ऑल शॉर्ट ऑफ अनहेल्दी ओनली लेकिन तीन अनहेल्दी चीज़ों को बना के उनका रेगुलर है कोक वगैरह को वो लोग सोडा बोलते हैं सो ऐसे लगता है सोडा पी रहे हो तो कॉन्ट बी दैट बैड फॉर यू बट इट इज़

it was a health mistake and i think this is another lesson that you should not ignore your health i was young i was in my 20s and you don't care right because you you you, you feel like hai, you know up happy ho gaya. Ab to hum government gaya. Thoda and job um, and that's not good and you know yeah at that time being fat of course it is a looks thing but it will not uh, affect your health in terms of ailments at that time so much because you are in your twenties, you are still young. But if you gain weight, normally people gain weight early in life, and the problems come later in life. So I think uh, that was a mistake. In fact, I wish I was as careful then as I am now. I would have looked so much better. But sometimes when I see those pictures, I am like, "Bhaiya, kya kar rahe the You know. Fine. Anyway, I finished my training and I came back. Uh, to office in Hong Kong and I I I did a good job, I think. It was a credit department and I think there was a lot of reports we had to write on companies, choti reports on there, so I think I did well because I wrote well and I I I was able to write and I was never afraid of a writing kind of assignment. And I I find that a lot of people hesitate when it comes to writing and um I I could do it. So you know I came back. I I remember um, one thing. Um, um, There was uh, so like I went for analyst training in 1998 I think. And uh, then I kept working. I remember one moment, one very big moment which uh, people from that time will remember. Y2K bug मतलब जब 1999 से 2000 हो रहा था तो दुनिया में एक फ़ियर फैल गया कि ये पुराने कंप्यूटर बने हुए हैं और इसमें डी डी एम एम वाई वाई के हिसाब से कंप्यूटर बने हुए हैं तो वो नाइन्टी नाइन तक ही हैं और जैसे ही टू थाउजेंड आएगा वो फिर से जीरो जीरो हो जाएगा और सारी दुनिया के कंप्यूटर रीसेट हो जाएंगे और मतलब हद मच मत जाएगी ऐसे ऐसे आर्टिकल आते थे कि जब जब तो प्लेन उड़ रहे होंगे और उड़ते उड़ते वो नीचे गिर जाएंगे थर्टी फर्स्ट दिसंबर जैसे ही टाइम पूरा होगा इनफैक्ट कई फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई उस दिन की लोगों ने कहा कि हम नहीं करेंगे और बैंक्स में तो खास डर कि मतलब पूरी तिजोरियां खाली हो जाएंगी सारे पैसे जीरो पे चले जाएंगे इट वॉज पैनिकी एंड दर वॉज इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नाइन्टीज़ में बनी है आई मीन दिस बग पीपल वर पीपल वर एंटिसिपेटिंग दिस प्रॉब्लम फाइव टेन ईयर्स बिफोर मतलब इन फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी ऑनवर्ड्स पीपल थाट की टू थाउजेंड में तो दस साल में कुछ हंगामा होने वाला है तो उसकी वजह से लोगों ने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर दोबारा लिखे ये सब किया और इफ़ यू आस्क मी द टी सी एस एंड इन्फोसिस एंड ऑल दिस एच सी एल विप्रो ऑल दिस कंपनीज Of India that became big in software in the 90s. Um, of course, there was a, they were helping in a lot of other areas, uh, but the Y2K bug was a very big uh, um, part of their success because every company was told, What's your Y2K strategy? Like, like these days, um, people say, What's your COVID strategy? You know uh, what's your e strategy in COVID? Us tha, what's your Y2K strategy? Y2K so, Goldman Sachs also, uh, you know, very well prepared, and they had all these people working on this. But still, on the 31st December, I remember they said, um, Do you want to uh, volunteer to be in the control room? ऑफ़ गोल्डमैन सैक्स मतलब जो जो ऑफिसेज थे हमारे उसमें उसमें कुछ कॉन्फ्रेंस रूम्स उन्होंने बनाए वहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे स्पेशली आईटी वाले बट हर डिपार्टमेंट के एक एक लोग कोई बैठेगा ताकि अगर किसी में वो अपने डिपार्टमेंट का सिस्टम चेक करेगा कि भाई मेरा जो क्रेडिट रिपोर्ट्स का सिस्टम है वो ठीक चल रहा है ये चल रहा है ये चल रहा है और फिर बताएगा आई वालों को वो एक कंट्रोल सेंटर होगा और तुम्हें वहाँ बैठना है थर्टी दिसंबर की रात को ऑफकोर्स टाइम जोन दुनिया भर में अलग हैं तो आई मेरे मन में ये था कि यार अगर गिरना होगा तो दुनिया का कैसे मतलब तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे जब सबसे पहले जहाँ न्यू ईयर आता है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वहीं से कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन आई डोंट नो द होल वर्ल्ड वाज थिंकिंग हमारे बारह बजे क्या होगा भाई तो उन्होंने एक ऑफर दिया कि अगर आप कंट्रोल रूम में उस दिन बैठोगे तो आपको हम दो दिन की एक्स्ट्रा सैलरी देंगे और आई थिंक दो एक्स्ट्रा छुट्टियाँ भी देंगे नाउ वॉइज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट दैट वॉज थर्टी फर्स्ट दिसंबर नाइनटीन नाइन्टी नाइन और रात के बारह बजे मतलब फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड इट वॉज अ न्यू ईयर ईफ इट वॉज नॉट जस्ट वन न्यू ईयर ईफ और अ डेकेड और अ सेंचुरी का ख़त्म होना इट वॉज द एंड ऑफ अ मिलेनियम मतलब हज़ार साल में एक बार ऐसा आता है कि वन नाइन 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 से टू थाउजेंड हो जाएगा सो यू कैन इमेजन द पार्टीज प्लैंड यू कैन इमेजन हाउ मैनी हाउ मेनी पीपल वर यू नो थिंकिंग अबाउट हिट हाउ मेनी पीपल वर सेंग ये यू नो वी हैव टू डू दिस सेलिब्रेशन दैट सेलिब्रेशन दोस्तों के प्लान बने हुए हैं सो यू नो ऑल दैट वॉज इन द इन द फ्रे सो इफ यू वॉलंटियर देन यू नोज दैट बट यू गेट टू डेज सैलरी एंड यू गेट टू डेज एक्स्ट्रा लीव आई वॉलंटियर फॉर इट ना वाई डिड आई वॉलंटियर फॉर इट

एंड मैं हॉन्गकॉन्ग में था तो आई कुड यूज़ दो छुट्टीज़ टू कम्बाइन विद माई छुट्टी वैन आई वेंट टू इंडिया एंड देन आई कुड स्पेंड दैट टाइम एट होम सो आई कुड मेक इट इट अ लॉन्ग वीक एंड और अ लॉन्ग अर ब्रेक बट इफ आई इफ आई जस्ट पार्टी इट वो पार्टी ओवर हो जाएगी सेकेंडली आई वॉज कैना एक्साइटेड टू सी कि होता क्या है क्या कारण्ड होने वाला है न्यू ईयर यू पे तो अगर मैं कंट्रोल रूम में हूँगा तो मेरे को दिखेगा और अगर मैं पार्टी कर रहा हूँगा तो आई डोंट नो उस रेस्टोरा में अगर उनके सिस्टम्स ख़राब हो गए तो वो अलग बात है बट आई वुड नॉट सी इट सो आई वॉल्टियड आई सेड यू नो वट मैं कर रहा हूँ आई एम गोइंग टू डू दिस एंड आई रिमेंबर एज द होल ऑफ़ हांगकॉन्ग एंड द होल वर्ल्ड वॉज पार्टिंग एट नाइट आई वॉज सिटिंग इन द कंट्रोल रूम कि 12 बजे तो कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ग्यारह पचपन ग्यारह छप्पन ग्यारह सत्तावन ऐसे लगा अभी कुछ होगा लेकिन आई टी वाले जो बेचारे हमारे आए हुए थे कहीं बेंगलोर के ही थे हमारे देसी भाई साहब वो लोग ऐसे घबराए हुए थे कि पता नहीं क्या होने वाला है बारह बजे कुछ भी नहीं हुआ एवरीथिंग Nothing इन एडवांस नथिंग बैठे रहो बैठे रहो अभी कुछ होगा मैं कहा यार बारह बजे नहीं हुआ था साढ़े बारह थोड़ा होगा या एक बजे थोड़ा होगा पर हमारा ड्यूटी थी कि एक बजे तक हम बैठेंगे एक और फिर जब कुछ नहीं हुआ और वो उनको आई कि ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ नहीं हुआ और थाईलैंड में कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहा एक बजे चलो जाओ यार पार्टी करो और उसके बाद हम एक बजे गए भी हमने एक बजे वहाँ पर एक आ, सी के पास वहाँ हांगकॉन्ग में हाबा के पास काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं आई रिमेंबर गोइंग देर इट वॉज रिटल बिट आफ्टर मिड नाइट यस बट नॉट दैट मच आफ्टर सो आई वेंट एंड पार्टी एंड आई गेट द टू डेज सैलरी एंड आई गॉट द टू डेज लीव एज वेल राइट डिसीजन रॉन्ग डिसीजन I don't know. I did miss the millennium moment drinking in a restaurant and I was sitting in a control room, but I get to tell you this story today. So that's just me. Then I remember in two years they made me an associate, which is good. I got a promotion, but now I had reached that level. Uh, if you saw my qualifications and hired me at the level at which

दैट यू गैट टू डू टू मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग अगेन इन न्यूयॉर्क उन्होंने कहा यार तुम तो कर चुके हो न एनालिस्ट ट्रेनिंग काइंड ऑफ सेम है मैंने कहा नहीं 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 मेरे को एसोसिएट ट्रेनिंग भी करनी है मेरे को जाना है मुझे सीखना है ठीक है बिकॉज मुझे न्यूयॉर्क की पार्टी याद थी और अब तो मुझे काफ़ी काम आता भी था बिकॉज सम एसोसिएट्स काम डायरेक्टली विदाउट वर्किंग एंड गोल्डमैन हैर हायर्ड फ्राम बिजनेस स्कूल्स उनको तो वो ट्रेनिंग और ज़्यादा चाहिए होती है लेकिन हम लोगों ने तो अंदर काम कर रखा था तो हमारे लिए तो पार्टी ज़्यादा थी लेकिन फिर भी मैं गया

Everything was .dot com, right? It was Pets com, and there was, of course, of course, there was the Amazon, and there was Google, and all that it was a start. Whole Google was had not done its IPO then. Google did it in two thousand four. There was no Facebook, by the way, and um, you know there was no Netflix. All these things weren't there. But you know a lot of companies which are not even there now were were listed, and. Uh, एनी बडी एंड एवरीबडी हु वॉज इन एनी बिजनेस ड्रग्स डॉट कॉम ये वो सब जगह करे जा रहे हैं एंड वो बेसिकली वेबसाइट रजिस्टर करो कंपनी का नाम करके कहो हम ये करने वाले हैं और बिना रेवेन्यूज के बिना प्रॉफिट्स के कंपनी लिस्ट हो रही हैं और लोग स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं एक के बाद एक स्टार्टअप्स को फंडिंग मिले जा रही है लाइक पीपल अंडरस्टुड कि दिस इंटरनेट इज अ बिग थिंग एंड देर वॉज अ लॉड ऑफ स्टार्टअप्स बीन क्रिएटेड एवरीवेयर वॉट एल्सोज है दर्स्ट टाइम Goldman Sachs or banks like Goldman Sachs which are considered the top jobs on campus in USA also they were not getting the best students they were shocked where were the students going they were going to startups they wanted to going to internet startups because the internet startup was saying we'll give you equity we'll give you you'll uh, we'll call you co-founder or they were going to some of the big tech companies like Microsoft and all that like suddenly everything became about tech at that time that bubble, बस्टेड इन 2001, वो भी मैं आपको बता दूँ 2001 में वो सारा इफ यू सी द स्टॉक मार्केट इट जस्ट कंप्लीटली क्रैश्ड आउट फॉर दिस डॉट कॉम बबल इट इज कॉल्ड इवन इन इंडिया आई रिमेंबर दर मेनी कंपनीज दैट वर लिस्टेडेड एट दट टाइम दे वेंट अंडर यू कैन रीड अबाउट इट आई डॉन्ट गो इन टू दैट देयर बट वी वर द बबल क्लास वॉट डिट दैट मीन एसोसिएट क्लास भी जो थी हमारी डेढ़ सौ लोगों की शायद कुछ थी उसमें भी विदिन अ मंथ विद इन ट्रेनिंग पाँच दस लोग छोड़ के जा रहे थे इन इन अ कपल ऑफ वीक्स दे लेफ्ट सो गोल्डमैन के अंदर अर्जेंट मैसेजेस गए कि भैया रोको ऐसे हो गया तो हमारे को बस अच्छे लोग ही नहीं आएंगे अब क्या होगा राइट सो गोल्डमेन स्क्स वॉज टोल्ड कि प्लीज़ टैम्पर दिस क्लास ना आई ऑलरेडीडीडीडीडीडी टोल्ड यू इवन इन एनलिस्ट ट्रेनिंग देवर टेस्ट टू बेसबॉल गेम्स एंड टॉप बट इधर तो भैया हद ही हो गई बिकॉज हमारे का था कि आप हमें छोड़ के मत जाना मेरे भी कई फ्रेंड्स आए ठीक है अपनी अपनी स्टार्टअप्स खोल रहे थे आई मस्ट से मुझे भी एक दो ऑफर आए कि तू आ जा रही यहीं आ जा और मैं टेम्पटेड भी हुआ कि इक्विटी मिल जाएगी और हम लिस्ट कर देंगे ये वो आई आयरन गो बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगा वहाँ जाके ऑल दो मे बी आई शुड गयरन हो आई आई मैं शायद जो पैम्परिंग ऑफ द क्लास थी उसमें मैं प, You know, they managed to pamper me and not make me leave. Because I'll tell you what all used to happen. They would like हमारी क्लास चल रही है एक्सेल की Suddenly वेटर्स आ रहे हैं और आइसक्रीम्स ऐसे सिल्वर प्लेटर्स में आइसक्रीम के लिए या yeah, आप एम्प्लॉयी आप हो आपको पहली बात एक्सेल सिखाया जा रहा है कोई आपको सिखा रहा है एक्सेल पे मॉडल बनाना और आइसक्रीम आ रही है और ऐसे चॉकलेट वेफर आपको दिए जा रहे हैं और, और भी बेनिफिट्स वो दे रहे थे क्लास को कि साइन ऑन बोनस चाहिए ले लो थोड़ी एक्विटी चाहिए ले लो मतलब ऐसे वॉइस मैसेज आता था एज क्लास ऑफ टू थाउजेंड वी आर हैप्पी टू टेल यू यू गेट टेन थाउजेंड डॉलर्स मोर बोनस वी आर हैप्पी टू टेल यू यू गेट सम एक्विटी इन गोल्डमैन सैक्स बिकॉज आई थिंक लॉर्ड ऑफ पीपल वॉन्टेड एक्विटी लोगों को एक्विटी uh, मिल रही थी स्टार्टअप ज्वाइन करने से लेकिन गोल्डमैन uh, नहीं देता था तो उन्होंने कहा हम भी देंगे इनको रोकने के लिए मैं वैसे कहीं नहीं जा रहा था लेकिन मुझे भी फायदा हो गया और वो जो पैसे मुझे बोनस मिला मैंने इन्वेस्ट किया मैंने कहा चलो मैं स्टार्टअप जा नहीं रहा वो जो बूम चल रहा है वहाँ का फ़ायदा उठाते हैं जो थोड़े से पैसे मुझे मिले हैं और मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया इंटरनेट कंपनीज में जो उस वक्त बहुत ही गर्म थी मतलब कुछ भी चल रहा था कोई भी इंटरनेट कंपनी नाम बस आपको डॉट कॉम रखना था दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द डॉट कॉम बबल नाउ टू में लेटर ऑन इट बर्स्ट

I know human psychology, human sentiment always the same. Hai. People always get too excited about some things and they start believing in it. And then they say, ki, Why can't you believe in it? People believe in gold, so you should believe in crypto also. It's not even gold, people believe in God also. And so you can believe in crypto like you believe in God. You can. But that's how people used to believe in these dot com companies. Yeah, they don't have any revenue, they don't have anything, but they will grow, right? And they will all become the world's biggest companies some of them did but a handful most of them went bust and i learned that you always always need to invest in what you know what if you own that business you would know that business Now, sa share you are the owner of that business so you must know that business before you uh, want to invest i i started saving since then but after the dot com bubble um, crash and the losses i had आई मूव टू म्यूचुअल फंड आई फेल्ट दैट आई डोंट अंडरस्टैंड इंडिविजुअल शेयर एंड थोड़ी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसके बाद क्योंकि मैंने जिनमें पैसे लगाए थे वो तो डूब गए थे एनी anyway, वे मैं ट्रेनिंग करके वापस आया आई केम बैक द जॉब कंटिन्यूड एट गोल्डमेन सैक्स दे व टू पीपल आई रिमेंबर ग्रेड यंग द पर्सन हू हायर्ड मी एंड अनदर जेंटलमैन कॉल रिचर्ड डेविस ही वॉज लाइक फिफ्टी एट ईयर्स ओल्ड मतलब वो रिटायर होने में उनके दो साल बचे थे एंड वो अपनी जिंदगी जी चुके थे एंड ही वॉज नॉट लाइक ही हैड डन वेल बट ही हैड नॉट बिकम पार्टनर एंड एवरी थिंग विच इज़ वेरी रेयर इन गुडमेन वन टू परसेंट पीपल बिकम पार्टनर्स विच आर यू नो एट द टॉप लेवल दे मेक द मोस्ट मनी दे मेक इन सेन अमाउंट ऑफ मनी एनी वे बट ही वॉज इन इज लास्ट रोल ही वॉज इन द क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड ही हैड चोजन दिस पोस्टिंग कि मुझे एशिया रहना है मुझे हांगकॉन्ग जाना है अपनी लास्ट पोस्टिंग के लिए एंड ही हैड चोजन द स्पेसिफिक वर्क इन द क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड मेरे को उन्होंने अपना यू कैन से लाइक ही मेड मी हिज असोसिएट टू हेल्प एम आउट एंड ही वॉज डूइंग रेटिंग एडवाइजरी फॉर कंट्रीज अराउंड द रीजन ही हैड डन एन आफ कंपनीज ही जस्ट वॉन्टेड टू वर्क एट अ मोर पॉलिसी लेवल ही लाइट मीटिंग लाइक यू नो ब्यूरोक्रैट्स एंड पॉलिटिशियंस ही वॉज ओल्ड एंड देर फॉर कंट्रीज ऑल्सो हैव क्रेडिट रेटिंग्स जैसे कंपनीज की रेटिंग्स होती हैं कंट्रीज की भी होती है

Um, uh, interested in help in improving your ratings and we would go and analyze the financials of that country understand the economy there's different metrics it's company ki जी uh, डी देखते हैं ग्रोथ देखते हैं डेट देखते हैं स्पेंडिंग फिजिकल डेफिसिट ये सब देखते हैं इनफैक्ट मैंने वहाँ पे इतना सीखा जो आज मुझे कॉलम्स लिखने में काम आता है या जबकि मैं बजट पे कॉलम लिखता हूँ या कई बार मुझे बजट की डिस्कशन पे बुलाया जाता है हमेशा कोई ना कोई ज़रूर लिखता है ट्विटर पर कि ये तो नॉवल्स लिखता है ये तो लव स्टोरीज लिखता है इसको बजट के बारे में क्या पता अब उन्हें क्या पता कि मैं कर चुका हूँ ये काम एक्चुअली स्पेसिफिकली बिकॉज़ रिचर्ड डेविस के साथ मुझे सॉवरन रेटिंग्स सॉवरन कंट्रीज़ की इकोनॉमी अंडरस्टैंड करने को मिला मुझे नहीं पता था कि इसका मैं कभी यूज़ न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने के लिए करूँगा इंडिया में लेकिन आ, उस टाइम मैं वो सीख रहा था बट द मेन जॉय वॉज टू ट्रेवल विद रिचर्डिस हैड लिव्ड हिज लाइफ उसको मजे करने थे वो थोड़ा दिन में काम करता था पर शाम को लाइक एन आउ गो नाइस डिनर एंड टॉक टू मी अबाउट हिज लाइफ एंड ऑल द प्लेस टू मैं ऑफकोर्स देसी लड़का दिल्ली का वेस्ट दिल्ली का मुझे कुछ पता नहीं बट ही वुड टेल मी अबाउट हंगरी एंड ही वुड टेल मी अबाउट पेरू एंड ही वुड टेल मी अबाउट ऑफ कोर्स एशिया एंड आई वुड सी एशिया विद हिम थाईलैंड एंड मलेशिया फिलिपीन्स एंड सो मेनी प्लेसेस आई वेंट विद हिम लाइक वियतनाम एंड ताइवान एंड ऑल दीज प्लेसेस एंड आई थिंक इट रियली आई बिकेम अंडर हिज विंग एंड दिस वॉज द टाइम एंड आई स्टार्टेड इट रियली इंजॉइंग यू नो माई माई वर्क एट गोल्डमैन सैक्स मैं खुश था ठीक चल रहा था सब कुछ एंड दी अदर बिग बेनिफिट आई हैड ऑफ डींग विद रिचर डेविस वॉज ही टॉट मी हाउ टू इन्वेस्ट अगेन ही मतलब उन्होंने मेरा अंदर जो डर बैठा हुआ था इंडिविजुअल uh, स्टॉक्स लेने का वो निकाल दिया बिकॉज डॉट कॉम बगल क्रैश के बाद मैंने जितने भी थोड़े से ही पैसे रिलेटिव uh, मैंने गवाए थे लेकिन मेरे को बहुत चुभा था वो क्योंकि कुछ स्टॉक्स तो जीरो ही हो गए थे एकदम कंपनीजें बंद हो गई बट ही टोल्ट कि यू कैन बाय ग्रोथ कंपनीज लेकिन यू मस्ट एनालाइज दैम जैसे आप कंपनीज ऑफिस में एनालाइज करते हो वैसे स्टॉक्स के लिए भी एनालाइज करो एंड देन इन्वेस्ट इन ग्रोथ एंड देन आई लर्न टू इन्वेस्ट एंड आई मस्ट से आई एम सो थैंकफुल टू हिम बिकॉज आई री स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड दैट हैज लेड मी टू मेक रिटर्न दैट हैज हेल्प मी सो मच इन लाइफ आई प्रॉबली कुड नॉट हैव क्विट माई जॉब एंड बिकम अ राइटर इफ आई हैड नॉट डन दैट मूव मतलब जिंदगी में कभी भी कौन आपको क्या सिखा जाए ये पता नहीं एंड आई आई डेफिनेटली वॉन्ट टू थैंक हिम ही इज प्रॉब्लली रिटायर्ड एंड समवेयर इन दू एस नाउ बट या

विच इज़ अ कुरियर कंपनी इन द यू एस विच इज़ आई थतनी ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है तो कुरियर वाले को तो धंधा मिलेगा ही ना तो कोई भी चले राइट एनी ऑफ वॉलमार्ट का हो या अमेजॉन का जो भी ऑनलाइन ऑर्डरिंग होगी किसी भी वेबसाइट से वो फेडेक्स ही होगा ना तो फेडेक्स लिया दैट डिड वेल आई रिमेंबर आई बॉट अ कंपनी कल थ्री एम जो वो पोस्टेड नोट्स बनाते हैं आजकल जो मास्क बहुत बनाते हैं वो दे आर अ वेरी इनोवेटिव कई कंपनी सो आई है ऑलवेज बिलीवड इन लाइफ की इनोवेशन हमेशा फ़ायदा पहुँचाती है You know, innovation always, uh, like, look at the vaccine companies today, the ones who made the vaccines, the most innovative invention you could have made in the last year. And look at the stocks, look at the stock of Moderna, for example, highest performing stock. Moderna is one of the vaccines, and it's a biotech company. The stock tripled in the last year. So, you know, innovation has rewards. I kind of had some strategy, and uh, yeah, I also remember I bought McDonald's shares because. आई रिटर्न एट मैकडॉनल्ड्स ड्यूरिंग माई जॉब phase in Hong Kong, and I felt McDonald's. मैं एक महीना रोज़ गया था उस टाइम पे, तो मैंने देखा हर किस्म के लोग McDonald's आते हैं बुढ़्ढे भी आते हैं जवान भी आते हैं बच्चे भी आते हैं और सबको बड़ा पसंद है मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता लेकिन और कुछ नहीं तो चलो McDonald's चलो। So I thought McDonald's लेना चाहिए also done well it's a good it was a good stock actually to buy anyway companies के credit assessment में करता था सावरन भी करता था कमोडिटीज़ uh, कंपनीज मैंने किए विच इज़ बेसिकली ऑल द माइनिंग कंपनीज़ विच वर मेनली इन ऑस्ट्रेलिया सो आई ट्रैवल्ड देयर वाई एम टेलिंग अबाउट ऑल दिस प्लेसिज इज ऑल ओवर एशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आई ट्रैवल्ड एंड इट जस्ट ओपन माई ब्रेन आप ऐसे लगा कि मेरे दिमाग में ना खिड़कियाँ खुल गई हैं जैसे तो एक यहाँ ऑस्ट्रेलिया की खिड़की यहाँ क्योंकि तो हर जगह जाके मैंने कुछ सीखा बहुत हर जगह जाके मैंने देखा एक तो मैंने देखा कि ये सारी कंट्रीज़ इवन द सो कॉल डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया से काफ़ी आगे हैं जैसे मलेशिया थाईलैंड ऑल्सो यू कैन सेटल बट अड ऑफ इंडिया इवन द फिलीपींस इन पॉकेट्स दैट टाइम लॉज सिमिलर बट लिटल हैड ओनली आई मीन नाउ आई वुड से दे आर कै सिमिलर बट ऑस्ट्रेलिया वॉज अ डेवलप्ड कंट्री न्यूजीलैंड वॉज अ डवेलप्ड कंट्री सो आई फिल्ट यहाँ पर बहुत कुछ हमारे इंडिया में हम अपने आप को बहुत मानते हैं कि हमें सब आता है लेकिन हमारे पास दुनिया से सीखने के लिए काफ़ी कुछ है और काफ़ी कंट्रीज से हम अभी भी पीछे हमें और आगे जाना है और ये बिलीव मुझे आज तक लगता है मुझे ये नहीं लगता इससे कि आपका पेट्रियाटिज़म कम होता है यू you नो know, हमें सीख सकते हैं हमें औरों से सीख के आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है आप आज मुझसे कुछ सीख रहे हो मैंने एक दिन यू you नो know, किसी और से कुछ सीखा था यू uh, नो you know, तो दैट्स दैट्स वट्स सो रॉन्ग इन दैट सो सेम वे कंट्रीज कैन बी तो ये काम चलते रहा जिंदगी यू कैन से चल रही थी स्मूदली लेकिन उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन का टाइम आया और वो नेक्स्ट प्रमोशन का टाइम था एसोसिएट के बाद वाइस प्रेजिडेंट बनना होता है बैंक में नाउ आई नो वाइस प्रेजिडेंट इंडिया का एक ही वाइस प्रेजिडेंट है लेकिन बैंक में कोई भी किसी ने भी बैंक में काम किया होगा तो देखें कॉमेंट भी कि वाइस प्रेसिडेंट बैंक मतलब बांटता है एक बहुत वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एनी मिडिल मैनेजमेंट इज कॉल्ड वाइस प्रेसिडेंट एक जोक होता था कि इंडिया में सिटी बैंक में एक वाइस प्रेसिडेंट है की इश्यूज के लिए उसका काम है चाबियां संभालना तो उसके लिए उसका नाम रखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट की इश्यूज आई डोंट नो सच है कि झूठ है लेकिन एक वाइस प्रेसिडेंट का लेवल नेक्स्ट था जो एसोसिएट के इफ़ यू आर ऑन अ गुड ट्रैक थ्री इयर्स के बाद आता है एंड नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा चार साल के बाद आता है थ्री टू फोर इयर्स में आपको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है मुझे लग रहा था मैं अच्छा कर रहा हूँ एंड मैंने एम भी किया है और मेरे को पहले भी एज एनालिस्ट लिया गया था मेरी सीधा एसोसिएट लेवल पे नहीं लिया गया था तो मेरा इक्वलाइज़ करने के लिए मेरे को तीन साल के बाद मेरा हो जाना चाहिए वाइस प्रेजिडेंट में लेकिन वो नहीं हुआ और वो इसलिए नहीं हुआ कुछ इवेंट्स हुए ऐसे रिचर्ड डेविस द पर्सन हु आई वर्क विद एंड न्यू माई वर्क द बेस्ट रिटायर्ड ही जस्ट रिटायर्ड सो यू नो ही कौन गिव अ रिकमेंडेशन देन ग्रेग यंग ऑल्सो द पर्सन हू हायर्ड मी वॉज पोस्टेड बैक टू न्यूयॉर्क सो ही ऑल्सो लेफ्ट एंड देन देर वॉज एन अदर पर्सन सेंट टू हेड द क्रेड डिपार्टमेंट उसका नाम मैं नहीं लूँगा बिकॉज मुझे नहीं लेना बिकॉज दैट वॉज नॉट

ये एक एक चेहरे पे आ जाता है आप मीटिंग में कुछ बोल नहीं रहे हो लेकिन आ, मेरे चेहरे पे दिख रहा है तो एक लेसन मैं आप लोगों को ये दूंगा जो लोग जॉब में है लर्न टू कंट्रोल योर फेस हमेशा कहते हैं लर्न टू कंट्रोल योर स्पीच येस बट लर्न टू कंट्रोल योर फेस स्पेशली इन फ्रंट ऑफ योर बॉस उसको मत दिखाओ कि तुम उसे डैश डैश मानते हो प्लीज यार तो तुम्हारे खिलाफ होगा ही वॉज जस्ट मीन ही वॉज जस्ट मीन टू जूनियर्स एंड यू नो वो लोग होते हैं जो उनके बॉस का फ़ोन आएगा तो बहुत चाटेगा लेकिन उनके नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करेगा कुछ भी बोल देगा ये वो और वो और उसे काम करा के खुद क्रेडिट ले लेगा ये देखो अच्छा काम करो हाँ ठीक है दलाओ और अपने वो दिखा देगा जाकर कि मैंने किया ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से बट यू नो दैट्स द थिंग बट आई थिंक जो हमारी डिसलाइक थी वो म्यूचुअल थी उसे भी मैं पसंद नहीं था यू नो ही जस्ट He actually became the inspiration. If you have read that book, One Night at a Call Center, uh, my second book, Bakshi is a call center, boss, which was the worst boss imaginable, and it's make line. I one night at a call center, mein, uh, uh, a bad boss is like a disease of the soul. You know, it can just as a boss it can ruin your life. If any of you have had a bad boss, do put it in the comments below. But I, I know it can really wreck your life because you, you will never be happy if you have a bad boss. And I think that is what was happening to me. So suddenly, you know, it all changed for me. The Goldman Sachs, the travel, and the sovereign advisory and learning about countries, investing. Everything. The job had gone, excitement had gone. ट्रैवल एक्साइटमेंट में वॉल इज वन थिंग टू गो विद रिचड डेविस विल टेक यू टू थाईलैंड और बोलेगा चलो मैं तुम्हें ये दिखा लाता हूँ यहाँ पे बड़ा सौ साल पुराना रेस्टोरेंट है वहाँ जाएंगे एंड द अदर थिंग इज यू यूर गो ट्रैवल विद दिस बैड बॉस एंड हु डज एन नो इज़ वर्क सो यू हैव टू डू इज वर्क एंड वो इतना बोर भी करेगा तुम्हें एंड इट्स नॉट जस्ट बोरिंग इट जस्ट मीन एंड यू नो विल स्टील योर वर्क एंड यू विल गिव थ्री आइडियाज एंड यू विल कट यू इन द मीटिंग दोस्ट टू पट थिंग्स नो एंड अफकोर्स दैट बॉस टोल्ड मी आफ्टर माई थ्री इयर्स वर ऑलमोस्ट कैटिंग आप कि बॉस यू कान वी यू आर नॉट गो मेक वी पी आफ्टर थ्री ईयर्स मैंने कहा क्यों भैया तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं यार नहीं हो पाएगा अभी तुम रुको एक साल और बस मैन एंड आई थिंक आई इट डिड हर्ट मी एट दैट टाइम बिकॉज आई आई फेल्ट कि होना चाहिए आई लॉट ऑफ अचीवमेंट्स विच आई फेल्ट कि जो और क्यों होती है मेरा क्यों नहीं हुआ एंड आई थिंक एक माइल्ड डिप्रेशन मेरे में आ गया हो नहीं नहीं अगले साल हो जाएगा अगले साल कर लेना ठीक है भाई कोई बात नहीं चार साल तीन कहीं होगा तीन में होता कहीं होगा चार में होता इस बार नहीं हो रहा अगली बार कर लियो अब अब एक बार उसने ना बोल दिया तो बोल दिया तो वही वो, वो कुछ उसमें आप कर नहीं सकते मेरे अपने लोग जो मेरे को सपोर्ट करते थे वो आगे बढ़ चुके थे कब थे नहीं ऑफिस में पर मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया यू नो एंड नॉट ए ह्यूज डिप्रेशन बट ऐसे बेमन से थोड़ा काम कर रहा था और कैसे चल रहा है ये यू नो अगर सब कुछ ठीक था और अब यू नो एंड कुछ लोगों का ऑफिस में हुआ भी प्रमोशन और मेरा नहीं हुआ सो दैट रियली हर्ट्स बिकॉज यू आर एट द सेम लेवल वन डे एंड नेक्स्ट डे दे दूं चार में से तीन का हो गया और एक चोमो है ये इसका नहीं हुआ है इसका हम अगले साल देखेंगे ऑब्वियसली इट हर्ट्स राइट सो इट इट जस्ट देटाइम्स आई फेल्ट एंगर आई फेल्ट डिप्रेस्ड वट और एक दिन मुझे याद है कि मैं एक काम कर रहा था कोई वर्ड फाइल थी कोई शीट थी या कुछ और डॉक्यूमेंट पे मैं काम कर रहा था और वो मेरा बॉस बार बार आसपास घूम रहा था ऐसा दिखाने के लिए बड़ा उसे बिजी है बड़ा काम है ये वो और उससे बदला निकालने के लिए मैंने एक स्ट्रैटी बनाई कि एल बी डी एन प्लीज़ ये लोग ये स्ट्रैटी आप अपने ऑफिस में मत करना एल बी डी एन इट इज़ लुक बिजी डू नथिंग लुक बिजी डू नथिंग इज़ स्ट्रैटी आई यूज़ कि चलो ये मेरा साइलेंट बदला हुआ ये मैं झांसी की ईरानी की तरह मेरा एटीन फिफ्टी सेवन की म्यूटनी थी कि मैं ऑफकोर्स तलवारें लेके घोड़ों में नहीं आया लेकिन अपने लैपटॉप पर टर्म शीट में वो मैं वर्ड फाइल में काम कर रहा था उसको लग रहा था मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मैं सडनली बीच में जा कर मैंने एक यू नो राइटिंग स्टार्ट कर दी जो मैं कॉलेज में किया करता था You know, I I remember I started writing about uh, let me remember I think it was a scene of like three friends sitting on the roof of IIT, yeah, and I think that's how that book begins also, uh, my first book which five point someone, I was just writing about three friends sitting in on the rooftop in IIT Delhi, and just which is basically things I used to do with my friends sometimes so. एंड देन वेन ही केम नियर माई डेस्क आई वुड सडनली स्क्रोल अप एंड गो बैक टू द टाउनशीट पेज फिर नीचे जाके कुछ और आई वुड राइट अबाउट गोइंग टू द डायरेक्टर्स बंगलोर समथिंग लाई दैट ऐसे कुछ मैं ऐसी लिख रहा था वहाँ पे ठीक है अब जब भी वो आता था मैं डॉक्यूमेंट खोल देता था जब वो जाता था मैं कुछ और टाइप करने लग जाता था और उसको लगता था पता नहीं कितना काम कर रहा है आस पास वालों को भी लगता होगा पता नहीं कितना काम कर रहा है यू नो गाइज अगर ये बैड बॉस ना होता तो शायद मैं अपनी पहली बुक चालू ना करता सो so, कई बार मुझे ये भी लगता है कि वॉज ई रियली बैड आई मीन येस यी वॉज अ बैड पर्सन टू मी एंड ही हेल्ड मी बैक इन माई करियर एंड ऑल बट अगर उसने मुझे वो प्रमोशन दे दी होती जो रूटीन थी एक्चुअली दस परसेंट रेज था शायद दस परसेंट रेज मिल गया होता तो इंसान ये शांति से बैठा रहता करता रहता अपना रेटिंग्स वेटिंग क्रेडिट कभी बुक ना लिखता कभी राइटर ना बनता कभी चेतन भगत ना बनता जो आज आप मुझे जानते हो सिर्फ एक प्रमोशन मिल जाती तुम और वो नहीं दी और मेरे को ज़िल्लत मिली और बेजती मिली तो मैंने वो बुक लिखनी चालू की तो दोस्तों आई डोंट नो लेसन आया क्या पर कई बार जिंदगी तुम्हें लात मारती है पर वो जो लात है तुम्हें कोई अच्छी जगह ठोकर जो मारते है तुम्हें वो ठोकर तुम्हें कोई अच्छी जगह पहुँचा देती है आई मीन आई आई समटाइम्स वी लाइक थैंकिंग हिम फॉर बीग सच अ हॉरेबल पर्सन कि मैंने ये किया क्योंकि अगर मैं ना लिखता क्योंकि मैं करने लगा ये और मेरे को मज़ा आया वो करने में बिकॉज आई मिस राइटिंग मिस इट यार ये क्या बैंक की जॉब में मैं कर रहा हूँ घिस रहा हूँ आई मिस दैट यू नो राइटिंग एंड ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर्स ऑफ माई कॉलेज एंड द कल्चरल स्टाफ तो आई जब भी मुझे टाइम मिलता था आधा एक घंटा ऑफिस में एक दो पैराग्राफ्स लिख दिए कॉलेज के हिस्सों के कॉलेज के किस्सों के ऐसे धीरे धीरे करके मुझे कहा ये काफ़ी ज़्यादा हो गया फिर मैंने एक दिन वो सारे पैराग्राफ मिला के एक फाइल बनाई वर्ड फाइल और उसका कोई ऐसे अजीब सा नाम रख दिया उस टाइम पे वो टैंप फोल्डर होता था टैंप फोल्डर में टैम्प फाइव करके मैंने नाम रख दिया होगा कि भाई किसी को भी अगर गलती से भी कोई शक ना हो कि ये क्या लिख रहा है और उस तरीके से मैंने उस पर काम चालू किया धीरे धीरे जब वो काफ़ी पेज हो गए चालीस पचास पेज हो गए मैंने यार मैं इसको बुक बना दूँ और ऐसे ही मैंने उस पर काम चालू किया और आई थिंक करीब छः महीने या एक साल तक मैं उस पर बिना कोई एक्सपेक्टेशन के बिना कुछ समझे कि क्या कर रहा हूँ बस लिखते जा रहा था एक तरह से मेरा कोपिंग मैकेनिज़्म था राइट right? कि मैंने ये सोचा कि यार या तो मैं पूरा डिप्रेस हो जाऊँ इससे यू you नो know? या तो मैं बिल्कुल गिर जाऊँ या फिर कुछ कर लेता हूँ कि मेरा माइंड हट जाए ऐसा नहीं है मैं सोच रहा था कि मैं बड़ा राइटर बनने वाला हूँ या कुछ है बस माइंड हटाना नहीं तो मेरा माइंड में खाली बैठता था ना एक मिनट भी तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था तो माइंड को खाली ना रखने के लिए मैंने आ, लिखना चालू किया इनफैक्ट मुझे हमेशा लगता है कि अगर खाली दिमाग होता है ना तो हमेशा अगर आपका भी दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ बिजी हो जाओ किसी चीज़ में बिकॉज आई थिंक इट समटाइम्स हेल्प्स एनी वो मैं लिखते रहा लिखते रहा तो एक बुक बन गई और आ, मैंने कहा इसको यू नो पब्लिश करते हैं एक दो फ्रेंड्स को मैंने दी पढ़ने के लिए आई डोंट थिंक उन्होंने पढ़ी भी आप मतलब ऑब्लिगेटेड में पढ़ी और कहाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी मतलब फर्स्टली दैट वॉज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ टेकिंग फीडबैक नाउ आई नो नाउ आई वेरी ऑनेस्टली गिव टू ऑल ऑल्स ऑफ पीपल एंड आई आई गेट गुड फीडबैक आई थिंक एनी वे सो वो बुक लेके मैंने कहा इसको पब्लिश करना है मैंने पहले तो एक हॉन्गक में पब्लिशर ढूंढा पीटर गॉर्डन करके एक था वो वो में बुक्स पब्लिश करता था तो उसने देखा कवर वगैरह ना मतलब एक दो पेज देखे उसने कहा यार ये तो इंडिया की कोई स्टोरी लग रही है ये हांगकांग में क्यों छाप रहे हो मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ छापनी है कहते तो हैं यहाँ तो सौ कॉपीज भी नहीं बिकेंगे मैं कहा ठीक है बुक तो बन जाएगी ना मेरा कोई एम नहीं था कि इसको कुछ बनाना है मेरा था ये जो मैंने इतने सारे पन्ने लिखे हैं ये एक बुक में बन जाएंगे और अपने ड्राॅइंग रूम में सजा दूंगा और कोई कभी आएगा पार्टी पर तो उसे कह दूंगा देखो यार ये मैंने लिखा था बैठ के ये मेरे छोटी छोटी खुशियाँ हैं प्रमोशन मेरी हुई नहीं है पर चलो मैं ये काम करता हूँ उसने कहा नहीं नहीं यार ये यहाँ हांगकांग की किताब ही नहीं है तो मैं कैसे छाप दूँ यहाँ इसका कोई रीजनल इंटरेस्ट नहीं है आप इंडिया जाके पब्लिशर ढूंढो अब उस टाइम पे ईमेल वगैरह होता था बहुत ज़्यादा तो इतना इजी नहीं था ढूंढना पर फिर ने कहा चलो ठीक है करता हूँ तो फिर मैंने इंडिया में पब्लिशर्स की कांटेक्ट करने की कोशिश की मेल्स लिखी काफ़ी उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया एक दो ने करा किसी ने कहा ऐसे करो वैसे करो किसी ने कहा यहाँ ड्रॉप ऑफ होता है किसी ने कहा नहीं होता है किसी ने कहा हमें चाहिए ही नहीं ना पता ही नहीं हम ले ही नहीं रहे किसी ने कहा ऐसे करो कुल मिला के मैंने आठ दस शॉर्ट किए और कईयों को मैंने कुरियर की बुक कईयों को मैंने अपने जिनका कोई एड्रेस नहीं था मतलब उनको मतलब मैं मैंने कहा कि अपने कुछ फ्रेंड्स को कहा इंडिया में अपनी फैमिली को कहा एक बार अपने भाई को भेजा कहीं छोटा भाई था उसको भेजा अलग अलग लोगों को जाकर मैंने कहा कि यार ये मेरी बुक दे आओ पब्लिशर को ऐसे अलग अलग लोगों को मैंने कहा और वो आ, आ, बुक देकर आए और उन्होंने कहा हम बताते हैं आपको ना बुक ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि कोई दो मिनट में देख के बता सकता होगा हम बताते हैं आपको देख के बताएंगे तो एक महीने तक किसी का भी कोई जवाब नहीं आया आठ दस में से दो महीने तक कोई जवाब नहीं आया फिर तीसरे महीने चार पांच लोगों के जवाब आए सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड चार महीने में सात आठ के आ गए नॉट इंटरेस्टेड यू नो ऐसे ऑलमोस्ट सबके जवाब आ गए कि हमें नहीं चाहिए तो ये टुप्पिट सी जो मैंने बुक लिखी थी किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं पहले प्रमोशन नहीं हुई फिर उसके बाद ये बुक लिखी बैठ के और वो रिजेक्ट होने लग गई तो जिस चीज़ से मैं अपने माइंड को जिस चीज़ को मैंने इसलिए लिखा था कि भाई मेरा माइंड हट जाए थोड़ा ये ऑफिस की स्ट्रेस से अब वो चीज़ भी एक स्ट्रेस का सोर्स बन गई थी क्योंकि मैंने लिख ली थी बुक और अब मैंने भेजी थी कि कोई छाप ले और जब कोई रिजेक्ट करता है तो मैं बड़ा लगता है कि यार ये क्या बकवास है ये इसने भी मना कर दिया इसने भी मना कर दिया। इसका मतलब शायद मेरे को नहीं आता है लिखना कुछ ऐसा मुझे लगने लगा बड़ा मैंने समझाने की कोशिश की लोगों ने लगा ठीक है ठीक है नहीं होगा ये तो उसके बाद मैंने फिर लोगों से ये मेल भेजा कि यार बताओ तो सही गड़बड़ क्या थी किताब में क्या आपको नहीं अच्छा लगा ये तो बताओ तो उन्होंने कहा कि यू you नो know, हम ये सब फीडबैक वगैरह हम नहीं देते हमें नहीं आता है ये सब आ, बताना और यू you नो know, क्या होगा तो आ, मैंने कहा कि यार अभी करूं क्या मैं बैठ के अब ये करते करते एक साल मैंने आपको बताया हो गया था ठीक है तो मैं अपना ऑफिस का काम भी कर रहा था और मेरे को मेरे बॉस ने फिर से बुलाया अपने रूम में मैंने कहा सर हाँ बोलो अब तो चार साल हो गए अब तो मतलब मैं वाइस प्रेजिडेंट ही गया तो कोई कहने की बात नहीं है उसने कहा एक्चुअली मैं इस साल भी तुम्हें तो वाइस प्रेजिडेंट नहीं बना रहा तो मेरी तो जैसे मतलब धरती खिसक वो <laughs> कहते हैं ना पाँव तले जमीन खिसक गई जो मुहावरा होता है वो हो गया क्योंकि अगर चार साल में भी आप नहीं बने तो इसके बाद आप नहीं बने मतलब वो तो बहुत ही रेयर होता है कि तीन से चार में आप जा रहे हो और चार में भी नहीं बने मतलब आप जाओ <laughs> एक तरह से ऑलमोस्ट यू कैन से एक बहुत ज़्यादा ज़िल्लत का माहौल हो गया मैं सर हुआ क्या तो उसने कहा कि देखो मुझे लगता है कि तुम में लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप इन्फ्लुएंस की कमी है अब इसका क्या तुम जवाब दो नो, काम अलग है अब इसका क्या बोलो कि कैसे कमी है क्या है मैं सर लीडर तो आप हो पर एनी anyway, कुछ नहीं बोला मैं आई I मीन mean, मैंने यह सुना है कि इसी बॉस की बाद में पोस्टिंग हो गई थी न्यूयॉर्क और एक दिन ये टाइम मैगजीन पलट रहा था कई साल बाद तो हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन द वर्ल्ड वाली टाइम मैगज़ीन खोल के बैठा था तो उसने मेरी फ़ोटो देखी थी उसने और ऑफ़िस में पूछा ये ये वही है ये मेरे को बाद में न्यूयॉर्क ऑफिस से फ़ोन आया था एनी anyway, वे वो तो बहुत आ थी मोमेंट अभी फ़िलहाल मैं किसकी हुई धरती मैं चल के उसके ऑफ़िस से बाहर आया और अपने डेस्क पर बैठ गया और मेरे सामने सारे वो रिजेक्शंस पब्लिशर्स के जिनको मेरी बुक नहीं चाहिए और ऑफिस में भी दो बार थर्ड फोर्थ मतलब मेरे से नीचे वाले भी जो थे जो एक बैच लोअर था मेरे ऑफिस में उनको भी वीवी बना दिया था क्योंकि उनका तीन साल में हो गया था और मैं लटका हुआ हूँ तीन चार साल में मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है मेरे साथ मुझे लगा कि बस जिंदगी ख़त्म एक तरह से मेरा करियर बहुत ही ख़राब जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही करूँ क्या डॉट कॉम बस्ट हुआ था उस टाइम पे तो उसका ये मतलब था कि बैंक्स में बहुत लोगों की जॉब्स जा रही थी एक्चुअली तो एकदम से जॉब चेंज करना भी ईजी नहीं था मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ एक तरह से बैठा हूँ बस क्योंकि प्रमोशन तो हो नहीं रही है राइट right? और दूसरा बुक भी छप नहीं रही है ऑफिस ख़त्म हुआ उस दिन और उस दिन आई आई जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ आई जस्ट वॉक डाउट ऑफ दफिस एंड ऑफिस के साथ वाली बिल्डिंग के नीचे एक और बिल्डिंग के नीचे एक बार थी मुझे याद है और उस बार में मैं गया शाम का वक्त था और uh, मैंने ऐसे हीरो की तरह शॉर्ट्स मंगाए वॉट का के आई रिमेंबर एंड एक शॉट और दो शॉट मैंने लगाए और यू uh, नो you know, ऐसे मैं देख रहे सब वो बार टेंडर वगैरह मुझे कि इसको क्या हुआ है सूट वूट पहन के आया है और दारू पी रहा है और मैं रोया आई मीन आई वॉज इज क्राइम यू नो एंड सब सोच रहे होंगे इसका कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई इसकी फैमिली में ट्रेजिडी हो गई है या, या ऐसे मजनू टाइप कुछ ऐसे लग रहा है किसी को नहीं पता कि इसकी भाई प्रमोशन फिर से रुक गई है वो दस परसेंट रेज मुझे चाहिए थी बस दस परसेंट रेज दे देते दे मैं ठीक हो जाता चलो बुक तो नहीं होगी कोई बात नहीं लेकिन ये तो हो गया पर अब वो भी नहीं हो रहा और बुक तो खैर किसी को चाहिए नहीं और अब मैं एक और बाट के टाइपिंग तो कर नहीं सकता था एक साल तो मैंने टाइम पास कर लिया था पर अब मेरे पास कोई चारा नहीं था तो मैंने कहा चलो बेटा रो बैठ के अपनी किस्मत पे और और दारू पियो तो यहाँ पे मैं पहुँच गया लाइफ सब कुछ होते हुए भी कई बार देखो लाइफ कैसे हो जाती है यू you नो know, मैं जो कहानी भी लिखी थी वो तीन आई के फ्रेंड्स की कहानी थी फाइव पॉइंट सम जो लूज़र्स की कहानी थी आई में जो लूज़र्स थे तो मुझे लगा कहीं मैं सच में लूज़र तो नहीं हूँ कहीं मैं लूज़र्स की कहानी लिख रहा हूँ लूज़र की कहानी किसी को चाहिए नहीं जॉब में तुम्हारी प्रमोशन है नहीं जॉब में तुम लूज़र हो पब्लिशिंग में तुम लूजर हो शायद तुम लूजर ही हो कहानी क्या लिख रहे हो तुम तो हो ही लूजर ऐसे ख्याल मेरे अंदर आने लग गए ऐसे नेगेटिव ख्याल मेरे अंदर आने लग गए तो फिर क्या हुआ इससे मैं निकला कैसे कितने शॉर्ट मार मार के कैसे जीवन बिताऊंगा तो जो चेतन भगत लूजर था राइट फिर क्या हुआ इन सब से मैं निकला कैसे जो चेतन भगत द लूजर था अनप्रमोटेड बैंकर रिजेक्टेड ऑथर वो आज वाला चेतन भगत कैसे बना आपको पता ही है मैं हर लॉन्ग वीडियो एक क्लिफ हैंगर एक सस्पेंस मोमेंट पे छोड़ता हूँ वैसे भी दोस्तों बहुत देर हो चुकी है काफी लंबा वीडियो हो गया है सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक सुना और uh, अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ सो डोंट विश अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो नंबर नाइन में आएगा वो सब और अगर आपने यहाँ तक पहुँच ही गए हो और आपको ये अच्छा लगा है तो गायस जरा लाइक कर दो या कमेंट कर दो ताकि यूट्यूबारों को भी ये वीडियो दिखाए नहीं तो यूट्यूब को लगता है पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं एंड एनी अदर था कमेंट में एनी थॉट्स यू फेल्ट एनी एनीथिंग यू नो पेबर लोग मैं अपनी मेमोरीज बताता हूँ कोई आपको अपनी मेमोरीज बताता देता हूँ आपकी कोई मेमोरी आपके दिमाग में आ जाती है तो वो शेयर करो देन द होल वीडियो बिकम्स मोर रिचर बिकॉज पीपल सी द वीडियो एंड रीड द कॉमेंट्स ऑल्सो सो डू दैट एल मी वॉट यू थॉट ऑफ दिस वीडियो एनी लेसन फ्राम इट यू नो एंड दिस स्टाइल ऑफ ओल्ड फैशन वन ऑन वन स्टोरी टेलिंग दोस्तों अप्स एंड डाउन तो दोस्तों लाइफ में होते ही हैं और वो होते रहेंगे और स्टोरी अभी बाकी है अनटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर